इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवन और ऑड फंक्शंस का कॉन्सेप्ट जो कि फोर ईयर सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं इवन और ऑड फंक्शंस मतलब कि जैसे अगर मान लो आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है तब आ, उस केस में आ, अगर एक इवन फंक्शन है एक ऑड फंक्शन है तो उनके प्रोडक्ट इवन होगा या ऑड होगा हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे आ, फिर हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जो ना इवन हो ना ऑड हो ना तो इवन फंक्शन के डेफिनेशन सेटिस्फाई करे ना ही ऑड फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई करे, राइट right? सबसे पहले इवन uh, फंक्शन हमने नंबर सुने हुए हैं uh, और ऑड नंबर्स क्या होते हैं पर हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की तो सबसे पहले बात करते हैं इवन फंक्शन की किसी भी फंक्शन को इवन फंक्शन कहेंगे अगर इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो राइट right? uh, मतलब कि अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो फंक्शन सेम रहे तब हम उस फंक्शन को इवन फंक्शन कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल के लिए अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास अगर एफ फोफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र है राइट right? तो इस केस में अगर मैं एफ फोफ माइनस एक्स कंसिडर करता हूँ तो अब क्या होगा माइनस एक्स का होल स्क्वेयर दैट विल बी एक्स स्क्वेयर दैट विल बी एफ फोफ एक्स राइट right. तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन होगा अगर एक और एग्जांपल कंसीडर करें हम ट्रिग्नोमेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एफ ऑफ एक्स आपके पास अगर मान लो कॉस एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा कॉस ऑफ माइनस एक्स और हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होते हैं कॉस ऑफ एक्स के इक्वल दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सो कॉस एक्स इज अवन फंक्शन एक्स स्क्वेयर इज इवन फंक्शन अगर हम कंसीडर करें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमल जिसमें एक्स की पावर सब इवन हो लाइक like x की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वेयर से वन देन इन दैट केस एफ ऑफ माइनस विल बी माइनस एक्स की पावर फोर प्लस माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस वन तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन तो ये इक्वल टू सेम एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया तो देर फोर एफ ऑफ एक्स इन तीनों केसेज में हमारे पास एक इवन फंक्शन कहते हैं हम इसे ठीक है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास इवन फंक्शन होगा अगर हम कंसिडर uh, करें कि ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी किसी फंक्शन को ओड फंक्शन कहेंगे अगर आपके पास एफ फोफ माइनस एक्स नेगेटिव टाइम्स एफ फो x हो राइट right? uh, सबसे पहले अगर इसके एग्जांपल कंसीडर करें तो एफ फोफ एक्स इक्वल टू एक्स कंसीडर करते हैं तो एफ फोफ माइनस एक्स क्या होगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस इंटू एफ एक्स एफ ओफ माइनस एक्स आपके पास हो गया माइनस एफ ओफ एक्स तो आपके पास एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आपके पास एक ऑर्ड फंक्शन है सिमिलरली अगर मैं कंसिडर करूं कि एफ ऑफ एक्स आपके पास साइन एक्स है राइट right? तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा साइन ऑफ माइनस एक्स और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक से कि साइन ऑफ माइनस एक्स किसके कुल होते हैं माइनस साइन एक्स के इक्वल होते हैं तो ये किसके कुल होगा माइनस एफ ऑफ़ एक्स के इक्वल तो एफ ऑफ़ माइनस एक्स किसके कुल हो गया नेगेटिव टाइम्स एफ ऑफ़ एक्स तो फिर से ये फंक्शन जो है आपके पास वो ऑड फंक्शन होगा अगर हम एक ऐसा पॉलिनोमल कंसिडर करें जिसमें आपके पास ऑड पावर्स हो जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स ठीक है तो इस केस में एफ माइनस एक्स क्या होगा माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स और ये बनेगा आपके पास माइनस एफ एक्स तो हेंस ये जो फंक्शन है आपके पास एफ ओफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स ये आपके पास एक और फंक्शन है तो फंक्शन कौन से होंगे बेसिक फंक्शन जो आपको याद रखने और एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्स वन सिमिलरली ये और फंक्शन हो गया आपके पास एफ ओ फैक्स इक्वल टू एक्स एफ ओ फैक्स इक्वल टू साइन एक्स और एफ ओ फैक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स अब बात करते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो ना इवन हो ना ओड हो तो सबसे पहले एक रिमार्क लिखते हैं ठीक है रिमार्क ये कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन हर कांस्टेंट फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन होगा ठीक है अगर हम आ, एक ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करें जो सम हो इवन और ऑड का तो वो ना तो इवन फंक्शन होगा ना ऑड फंक्शन होगा मतलब हमें बनाना है एक ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करना है जो नीदर इवन ना वो इवन हो ना वो ऑड फंक्शन हो ठीक है तो मैं एक ऐसा फंक्शन कंसिडर करता हूं से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव राइट अब एफ ऑफ माइनस एक्स कंसिडर करते हैं तो माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस फाइव ये बनेगा आपके पास माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव अब ना तो हम इस फंक्शन को एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिख सकते ना ही हम इस फंक्शन को नेगेटिव टाइम से एफ ओफ़ एक्स लिख सकते हैं तो जो ये फंक्शन है ना तो ये इवन है ना ये ऑड फंक्शन है ठीक है सिमिलरली अगर मैं कंसिडर करूं एफ ओफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो ये फंक्शन भी आप चेक कर सकते हो कि ना तो ये फंक्शन इवन होगा ना ये ऑड होगा क्यों जब आप इसे एफ ओफ नेगेटिव एक्स निकालोगे तो ना तो ये एफ ओफ एक्स इक्वल आएगा और जब आप नेगेटिव एक्स निकाल एफ ओफ नेगेटिव एक्स निकालोगे ना ये नेगेटिव टाइम्स एफ ओफ एक्स के इक्वल आएगा तो ये फंक्शन ना तो इवन फंक्शन है ना ये ऑड फंक्शन है ठीक है अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड फंक्शंस प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड फंक्शंस में हम सबसे पहले मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि एफ ओ फस जो है हमारे पास एक इवन फंक्शन है ठीक है और जियो भी हमारे पास से इवन फंक्शन है ठीक है हमें चेक करने कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा इवन होगा या ऑड होगा तो सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ कि होता ये है कि अगर आपके पास इवन फंक्शन इन टू इवन फंक्शन होगा तो उनका प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा और अगर आपके पास ऑड फंक्शन टाइम्स ऑड फंक्शन होगा तो उनका प्रोडक्ट भी इवन फंक्शन होगा ठीक है अगर आपके पास इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन होगा तो उनका प्रोडक्ट आपके पास ऑड फंक्शन होगा और अगर आपके पास ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन होगा तो उनका प्रोडक्ट आपके पास ऑड फंक्शन तो आएगा हम एक प्रूफ करते हैं सबसे पहले कि अगर इवन इनटू इवन फंक्शन होगा तो इवन फंक्शन कैसे कंसिडर करेंगे हम इसे तो मान लेते हैं कि एच ऑफ एक्स हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ओ जी ओफ एक्स ये दो आपके पास इवन फंक्शंस हैं सो हमें ये प्रूव करना है कि ये इवन होगा ऑड होगा या क्या होगा तो हम इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं एच ओफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू एफ ओफ नेगेटिव एक्स इन जी ऑफ नेगेटिव एक्स ना आ, अब है क्या कि आपके पास गिवन है कि एफ वी वन फंक्शन है जी वी वन फंक्शन है इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स आपके पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा जी ऑफ एक्स के इक्वल होगा ये कहाँ से आ रहा है बाय डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन जो कि आपके पास गिवन है तो इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ओ राइट right. और ये आपके पास क्या बन जाएगा ये एग्जैक्टली एच ऑफ़ एक्स बन जाएगा तो एच ऑफ़ माइनस एक्स इक्वल आ गया एच ऑफ़ एक्स के इक्वल देर फोर एच ओफ एक्स इज एन इवन फंक्शन तो ये आपके पास एक इवन फंक्शन बन गया ठीक है तो दो फंक्शंस अगर आपके पास गिवन हो और दोनों इवन फंक्शंस हो उन दोनों का प्रोडक्ट फिर से इवन फंक्शन होगा अब हम सेकेंड केस कंसीडर करते हैं अगर मान लो आपके पास एफ ओ फैक्स इवन फंक्शन है राइट और जीओ फैक्स आपके पास एक ऑर्ड फंक्शन है ठीक है तो इस केस में क्या होगा हमें यह देखना है कि एच ओ फैक्स दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ़ एक्स इंटू जी ऑफ़ एक्स तो ये चेक करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा तो हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कि एच ऑफ़ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ़ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ़ माइनस एक्स इट विल बी अब देखो क्या है कि एफ ऑफ़ एक्स इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा आपके पास एफ ओफ एक्स होगा और जी ओफ माइनस एक्स क्या होगा आपके पास जी ओफ नेगेटिव जी ऑफ एक्स होगा ठीक है अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर देते हैं एफ ऑफ नेगेटिव एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स जी ऑफ एक्स तो इसे लिखा जा सकता है नेगेटिव टाइम्स एफ ऑफ एक्स इन जी ऑफ एक्स राइट तो ये हमारे पास बनेगा एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स एच ऑफ एक्स तो आपके पास ये जो दो फंक्शंस गिवन थे इनका प्रोडक्ट इवन और ऑर्ड फंक्शंस का प्रोडक्ट वो आपके पास ऑड फंक्शन आया हेंस प्रोडक्ट ऑफ ईवन एंड ऑड फंक्शंस इज अगेन एंड ऑड फंक्शन राइट अब इससे नेक्स्ट आप सेम प्रूफ कर सकते हो अगर आपके पास गिवन है कि एफओ आपके पास एक फंक्शन है और एफओ आपके पास एक फंक्शन है राइट right? और जियो आपके पास एक फंक्शन है, तो उस केस में आपके पास एचओ फैक्स क्या होगा एफओ इंटू जियो फैक्स तो सिमिलरली आप इसमें भी प्रूव कर सकते हो कि एच ओ फैक्स विल बी ऑड फंक्शन एच ओफ एक्स क्या होगा ऑड फंक्शन होगा अब लास्ट केस कंसीडर करते हैं फोर्थ केस है अगर आपके पास एफ ओफ एक्स भी अगर ये दो ऑड फंक्शन है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा तो लेट एच ओफ एक्स इक्वल टू एफ ओ फैक्स इन टू जीओ एक्स राइट तो एच क्या होगा? एफ नेगेटिव एक्स इंटू अब हमारे पास गिवन है कि ऑफ़ फंक्शन किस क्या होगा ऑफ़ नेगेटिव एक्स इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स जीओ तो हम इसे लिख सकते हैं नेगेटिव एफ इन टू नेगेटिव जीओफेक्स इसे लिखा जा सकता है एफ इंटू ऑफ एक्स ये दोनों नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो इसे लिख सकते हैं एच ओफ एक्स तो हेंस एच ओफ माइनस एक्स इक्वल टू एच ओफ एक्स देर फोर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शंस टू ऑड फंक्शंस इज अगेन इज एन इवन फंक्शन देयर फोर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शंस इज एन ईवन फंक्शन तो अभी तक हमने क्या देखा सबसे पहले हमने इवन फंक्शन की डेफिनेशन कंसिडर की कि इवन फंक्शन क्या होते हैं ठीक है सबसे पहले इवन फंक्शन की डेफिनेशन कंसिडर की कि इवन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं अगर हम एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करें तो फंक्शन सेम रहेगा और ऑर्ड फंक्शंस के डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स फिर एक रिमार्क की हर कांस्टेंट फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन होगा फिर आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी होते हैं जिसमें फंक्शन ना तो इवन हो ना ऑड फंक्शन हो फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस अगर आपके पास दो इवन फंक्शंस गिवन है उनका प्रोडक्ट है तो इवन फंक्शन होगा वो अगर आपके पास दो ऑड फंक्शंस हैं उनका प्रोडक्ट इवन फंक्शन होगा अगर आपके पास एक इवन फंक्शन है एक ऑड फंक्शन है तो उनका प्रोडक्ट ऑड फंक्शन होगा अगर आपके पास एक ऑड फंक्शन है और एक इवन फंक्शन है तो उनका प्रोडक्ट ऑड फंक्शन होगा